hello Ucho. let's see the question spotlight s rotates in a horizontal plane with a constant angular velocity of 0.1 radian per second the spot of light p moves along the wall at a distance of 3 meter the velocity of the spot p when theta equals 45 degree c figure is meter per second now to answer this question first we will discuss here the key concept and here the key concept will be angular motion or we can say here सर्कुलर मोशन ऑफ एन पार्टिकल तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ लाइट है इट इज मूविंग अलोंग दॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री मीटर यानी यहाँ पे, यहाँ पे यह हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है थ्री मीटर की दे रखी है दैलोसिटी ऑफ स्पॉट पी वेन थी डिग्री जब हमारे पास ये एंगल 45 डिग्री का हो जाता है उस पर्टिकुलर केस में हमें जो स्पॉट पी है इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो इस केस में सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम ये ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं एस पी क्यू और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो टेन थीटा की वैल्यू होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस परपेंडिकुलर पी से क्यू इस डिस्टेंस को हम एक्स के बराबर कंसिडर कर लेते हैं एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय बेस दैट विल बी

डी थीटा बाई डी टी का मतलब हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये आ जाएगा वैल्यू है इस पर्टिकुलर केस में दैट इज 45 डिग्री तो ये आ जाएगा यह स्क्वायर डिग्री इंटू ओमेगा की वैल्यू दे रखिये जीरो पॉइंट वन रेडियन पर सेकेंड इस पर्टिकुलर केस को अगर हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पे अगर वैल्यू फाइंड आउट करें फोर्टी फाइव रख के तो ये आ जाएगा रूट टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड पर सेकेंड तो वेलोसिटी बन जाएगी थ्री इंटू टू इंटू जीरो पॉइंट इट से हियर द वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट पी वेन थी इज जीरो पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड हो पॉल यू अंडरस्टूड इट थैंक बेस्ट ऑफ लक